टिकी ये चीजें खत्म हो जाए। और ये सिस्टम किस लिए डिजाइन हुआ है, ये सिस्टम किस लिए डिजाइन हुआ है? अरे मेरे दोस्तों, हो सकता है किसी व्यक्ति के पास इनकम का सोर्स नहीं है, हो सकता है वो बेरोजगार है, लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से हो सकता है वो ठेला चलाता हो, लेकिन ठेला वाला भी बैठा बैठा वो पार्ट टाइम के अंदर पोस्ट करता है, मैसेज करता है, बताता है और अर्निंग होती है, तो क्या उसके आई में जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी? जुड़ेगी क्या? और तो नहीं हो रहे हो मेरे दोस्तों? हंसने वाले चेहरे पूरी दुनिया को अच्छे लगते हैं, और आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए बहुत अच्छे मुस्कुराए हो। देखिए शंकर सिंह गुर्जर जी किस तरह से दहाड़ लगा रहे हैं। साइंस काम करता है कि एक सेकंड मुस्कुराने से अगर फोटो अच्छी आ जाती है तो मेरे दोस्तों पूरा जीवन मुस्कुराना चालू कर दूं, जीवन अच्छा हो सकता है, हो सकता है, लेकिन मुस्कुराएंगे कब होएगा? टेंशन तो इसकी है ना, क्योंकि अभी सोच रहे हैं भाई साहब क्या बोल रहे हो, घर की तो चिंता है, बिजली के बिल जमा नहीं हुआ, दूध का पैसा जमा नहीं हुआ, बच्चों की फीस जमा नहीं हुई है, विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। मेरे दोस्तों मैं एक छोटी सी चीज बता दूं आपको, इंसान का राजस्थानी में कहावत है, इंसान मतलब लेडीज का कसम, कसम समझ तो पति को बोलते हैं हमारी भाषा, लेडीज का कसम होता है उसका पति, लेकिन इस पति का भी एक कसम होता है, बताऊं क्या वो कौन सा होता है? जब लेडीज को पता है कि मेरा कसम बहुत स्ट्रॉन्ग है कमाने में सारी चीजों में, उसको कोई चीज की चिंता नहीं होती है। होती है क्या? होती है क्या? आवाज नहीं आ रही पीछे में, होती है क्या? मेरे दोस्तों आदमी का भी एक कसम होता है और वो होता है उसका रोजगार। जब आदमी को पता है कि मेरा रोजगार स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, उसी को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। और चैंपियंस क्या है? स्ट्रॉन्ग। हर महीने देता है क्या? कितने लोगों को देता है? वेरी गुड, वंडरफुल। मेरे दोस्तों अभी तो शुरुआत है, ये नजराना है, आने वाले समय में अभी 1,20,00,000 हुए हैं, 2 करोड़ भी होंगे, 3 करोड़ भी होंगे, 4 करोड़ भी होंगे, 5 करोड़ भी होंगे, 10 करोड़ भी होंगे, 1 अरब भी होंगे क्या? Yes! होंगे, 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 होंगे। परिवर्तन समाचार का नियम होगा मेरे दोस्तों, बस उस वक्त तक आप साथ देने के लिए तैयार है। Yes! तैयार है, तैयार है। कौन दीजिए मेरे दोस्तों? किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए साथ दीजिए, सिस्टम के लिए ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। अरे हो सकता है बहुत बार आपको किसी ने गिराया होगा, बहुत बार कहा होगा कि तू कामयाब नहीं हो सकता, तू सक्सेस नहीं हो सकता, तू सफल नहीं हो सकता। हो सकते हो आप कामयाब हो सकते हो क्या? यस। दुनिया को चाहिए रोजगार और ये सिस्टम दे रहा है। 1,20,00,000 लोगों के जहन में ये कुछ भी पैसा पहुंचाया है तो उनके उन्नति आई है, और आपके भी घर में जब उन्नति आएगी मेरे दोस्तों आप भी यही सोचोगे। बस एक मैं चीज बता देता हूं, इसमें कुछ चीज है वो कंटिन्यू करना पड़ेगा। कर सकते हैं? कैसे? एक सोच की सीख, एक डिसीजन पावर लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे कामयाब होना है। क्यों? कामयाबी आपकी गरज है। कामयाबी किसकी गरज है? मैं मेरे घर से चल के यहां आया किसी और के लिए आया हो ना? और के लिए आया हो? नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए कितने लोग आए हैं? धन्यवाद। सब अपने लिए आए हैं। तो मेरे दोस्तों एक ही कोटेशन याद रखना, अगर आपको सक्सेस होना है, आपको कामयाब होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आप ही को आना पड़ेगा, आप ही को उठना पड़ेगा, आप कामयाब होना आपकी गरज है। हो सकते हैं? किसी और की नहीं, महेश्वर की गरज नहीं है, अपनी गरज है। कामयाब होना अपनी गरज है, होना चाहते हैं? एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, उसके लिए एक दृढ़ संकल्प चाहिए। वो कौन सा दृढ़ संकल्प? एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं शेयर कर देता हूं। एक व्यक्ति था बहुत भक्ति करता था, वो कभी
मुझे दे दे, मुझे दे दे, मुझे दे दे। एक दिन किसी संत साधु सन्यासी ने कहा कि भाई तू भक्ति करता है, कभी करता है चार घंटा करता है, कभी दो घंटा करता है, कभी नहीं करता तो नहीं करता। कुछ ना कुछ नियम ऐसा बना, टाइट बना कि तू जोगी का एक ऐसा नियम बना ले जिसको तुझे डेली करना पड़ेगा। उसने सोचा, सोच विचार करके उन्हें जवाब दिया कि हाँ मैं एक नियम बनाता हूं। पता क्या बनाया उन्होंने? एक नियम बनाया कि देखो मेरे घर के बाहर से एक गंजा व्यक्ति जाता है रोज घर के पास, अदरवाइज मत लेना कोई। गंजा व्यक्ति जाता है और मैं उसको देख करके खाना खाऊंगा। क्या समझ में आ रही है? क्या मैं उसको देख करके खाना खाऊंगा, यह मेरे लिए आसान नियम है। ठीक है, उन्होंने ये नियम बना लिया। एक दिन गुजरा, रोज गंजा आए वो देखे उसको घर के बाहर से खाना खा ले। दो दिन हुआ, तीन दिन हुआ, दस दिन हुआ, बीस दिन हुआ, महीना हुआ, छह महीने, रोज वो गंजा व्यक्ति आए उसको देखे और वो खाना खा ले। ठीक है, गुजरती जिंदगी। लेकिन ईश्वर को कुछ देना होता है तो परीक्षा जरूर लेता है। अरे आप 10 रुपए का मटका लाए हो, उसको 10 बार ठोक करके लोगे, अरे चेक के मैं चैंपियन बनना चाहता हूं, क्या आपको सिस्टम चेक नहीं करेगा? तो ईश्वर ने सोचा कि मुझे चेक करना चाहिए। तो एक बार गंजा व्यक्ति लेट हो गया आने में। अब आपको पता है अभी जो पीछे कहीं हो रहा ना गुड़ 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 गुड़, ऐसे ही उनके गुड़ 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 होने लगे। उन्होंने देखा यार आज आया नहीं, क्या चक्कर है? बाहर देखे नहीं आया, गांव के बाहर गया फिर देखे नहीं आया, पेड़ के ऊपर चढ़ा नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है? नियम टूटने वाला है क्या? कि नहीं तोड़ूंगा तो नहीं। उसने जैसा जैसे करके ऊपर देख रहा था, जैसे में उसका गंजा व्यक्ति दूर आता हुआ दिखाई दिया, अरे आ गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दिख गया, दौड़ता घर पे आ गया। जैसे ही वो घर पे आया, उसको तो खाना खाना था, उसको क्या था? वह पे कुमार मिट्टी निखार रहा था। जैसे ही मिट्टी निखार रहा था, जब वो घर पे आया, पीछे पीछे उसके कुमार जल्दी जल्दी आया, बोला कि चुप, ये एक मटका है आधा मटका ले ले, चुप हो जा। उसको समझ में आया क्या है, कौन सा मटका? अरे ये आधा सोने का भरा हुआ, चुप हो जा। उसको समझ में नहीं आ रहा क्या मामला है। उसने कहा कि पता तो दे क्या है। कुमार ने कहा, अरे तूने कहा था ना कि दिख गया दिख गया दिख गया, इसलिए मैं मिट्टी निकाल रहा था, मेरे सोने का घड़ा निकल गया, मैं सोचा तूने देख लिया, आधा तेरा आधा मेरा। उसने सोचा कि जब मैं छोटी से नियम से, छोटे से नियम बनाने से मेरे जीवन में अगर आधा घर आ सकता है, अगर मैं लगन मेहनत और प्रयास से नियम बना लेता तो हो सकता था मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आता। और उसका नाम पड़ा राम प्रसाद, जिसको राम का प्रसाद मिला, ईश्वर का भोग मिला, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी प्रतिज्ञा की थी। कर सकते हैं? कर सकते हैं मेरे दोस्तों? कोई भी चीज प्राप्त होती है प्रतिज्ञा के बिगैर नहीं मिलती। हाँ संघर्ष जरूर आते हैं, बाधा जरूर आती है, तकलीफें जरूर आती है। इसके ऊपर एक कोटेशन है, बाज नाम का एक पक्षी है, उकाब, तू जानते कि हे उकाब मत डर ए समुद्र की ऊंची लहरों से, ये तो उठती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए, ये तो उठती है तुझे और ऊंचा उठाने के लिए। फ्रेंड्स, ये बाधा, ये तकलीफ, ये संघर्ष, एक ये प्रोसेस जीवन का, इसी में डरिए मत। अरे सचिन तेंदुलकर जी को देख लीजिए, उनके जीवन में भी बाधा आई, लेकिन उनको कहा गया कि आप दूध पीने वाले बच्चे हो, जाकर के दूध पीजिए, लेकिन उनके छप गया, छिप गया और क्रिकेट का भगवान बन गया। अमिताभ बच्चन जी भी सराहे हुए हैं, अमिताभ बच्चन जी को भी कहा गया कि तुम्हारी आवाज नहीं चलने वाली, लेकिन उनको छा गया और उन्होंने आज बिग बी के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। हुए कि नहीं हुए मेरे दोस्तों? कि ना संघर्ष ना तकलीफ है तो क्या मजा है जीने में। अरे तूफान भी रुक जाएगा यदि लक्ष्य रहेगा सीने में, लक्ष्य रहेगा सीने में। बाधा आएगी, प्रसन्न